धार्मिक नगरी होने के चलते उज्जैन में सभी पर्वों को विशेष तौर पर मनाने की परंपरा है। हालांकि शनि जयंती पर इस बार त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा रहा। साथ ही शहर के कई मंदिरों में शनि महाराज के पूजन अर्चन किया गया। त्रिवेणी संगम पर शनि जयंती के मौके पर प्रत्येक वर्ष लगने वाला श्रद्धालुओं का तांता। जी हां, आपको बता दें, श्रेष्ठ मास के अमावस्या पर आज शुभेच्छाकारक योग में भगवान शनि देव का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। शहर के शनि मंदिरों में सबसे पहले पुजारी भगवान का अभिषेक पूजन व श्रृंगार करेंगे, जिसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा और महाआरती की जाएगी। प्रत्येक वर्ष इस अद्भुत दृश्य के दर्शन लाभ लेने लाखों की संख्या में धार्मिक नगरी उज्जैन प्रत्येक वर्ष इस अद्भुत दृश्य के दर्शन लाभ लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। चूंकि उज्जैन पवित्र शिप्रा से घिरी हुई है और शिप्रा में स्नान कर दान पुण्य का अधिक महत्व माना जाता है, श्रद्धालु स्नान कर भगवान के दर्शन लाभ लेते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण ने इस बार सबको घर बैठने पर मजबूर किया है। जिला प्रशासन ने भी तमाम धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस दिन महिलाएं करती है वट वृक्ष का पूजन। जी हां, श्रेष्ठ कृष्ण की अमावस्या को भावुका व वट सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसे दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृकर्म तथा घर में सुख संबंधि की कामना से वट वृक्ष के पूजन का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार श्रद्धालु यहां श्राद्ध पूजन विधान करेंगे। शनि जन्मोत्सव जो पारंपरिक रूप से सभी श्रद्धालुओं को निवेदन किया जाता है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। शनि देव के दर्शन घर पे से ही सोशल मीडिया के माध्यम से या लाइव चैनलों के माध्यम से करें और शनि देव का पूजन करें, घर पे उनकी आराधना करें और घर पे ही रहें। यहाँ पे मंदिर में नवग्रह देवता का और शनि देव का पूजन किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा जो पुजारी द्वारा होगा और यहीं पे किया जाएगा, यहाँ पे उनका महोत्सव बनाया जाएगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में गुरुवार को भगवान शनि की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ नई पेट स्थित भगवान शनि के अति प्राचीन मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। यूं तो यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ बगैर मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ भगवान शनि का सुबह से ही तेल से अभिषेक किया जा रहा है। इसके पश्चात हवन एवं विशेष आरती की जा रही है। भगवान शनि जी का आज जन्म दिवस है और पूरे देश में शनि का जो अपना एक प्रभाव है, दंडाधिकारी यानी न्यायाधीश के रूप में शनि को मानते हैं और शनि का आज यहाँ अवंतिका में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 84 महादेव में 50वां स्थान स्थावरेश्वर के नाम से जाना जाता है। गुरुवार को पूरे देश में शनि जयंती एवं अमावस्या का पर्व बड़ी भक्ति भाव के साथ श्रद्धा के साथ मनाया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी शनि जयंती एवं अमावस्या पर्व बड़ी भक्ति भाव एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। लोगों ने रामघाट मां शिप्रा पर स्नान कर सुख समृद्धि एवं कोरोना महामारी से निजात की कामना की। गौरतलब है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इन दिनों शहर में जनता कर्फ्यू के चलते कुछ छूट प्रदान की गई है, आगामी आदेश तक बंद है। लोगों ने भी शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए रामघाट पर पूजन अर्चन एवं डुबकी लगाई। कोरोना महामारी के चलते बहुत कम श्रद्धालु एवं ग्रामीण जन स्नान करते हुए नजर आए। हिंदू मान्यता के अनुसार शनिश्चर अमावस्या के दिन सभी तरह की बाधाओं से निजात के लिए माँ शिप्रा में स्नान किया जाता है। इसी के चलते शिप्रा तट पर कई लोग भूत बाधा आदि के निदान के लिए स्नान करते हुए दिखे। साथ ही लोगों ने माँ शिप्रा का पूजन अर्चन किया। पंडित राकेश जोशी ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज ही लोग अमावस्या पर माँ शिप्रा में स्नान कर बाधाओं को दूर कर रहे हैं। कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है। आज ही के दिन जो है भगवान शनि जी का भी जयंती उत्सव है, तो आज जो है शनि जयंती के उपलक्ष्य में अमावस्या पर्व काल में जो भी शनि की साढ़े साथ भैया से ग्रसित है या उनसे कष्टप्रद है, तो आज के दिन तीर्थ स्नान वगैरह शनि भगवान का पूजा दर्शन करने से शनि से संबंधित जो धैया साढ़े साथी है उस कष्ट से निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या पर्व पर पितरों के निमित्त ग्रहों से संबंधित कर्म का करने का विधान माना गया है, तो शनि जयंती पर्व काल के उपलक्ष्य में और अमावस्या के पर्व काल के उपलक्ष्य में उन समस्त कष्ट पीड़ा बाधा मुक्ति का एक बहुत बड़ा दिन माना गया है।